माइंड को स्टेबल कैसे रखें? भगवत गीता का सेकंड, भगवत गीता का सेकंड चैप्टर है, भगवत गीता का सेकंड चैप्टर है स्थिति प्रज्ञ। अपने आप को माइंड को स्टेबल रखने का प्रैक्टिस कीजिए। सबसे बेस्ट है मेडिटेशन। देखिए मेडिटेशन का टाइम कब, जब आप सवेरे उठते हैं तब, और जब आप सोने को जाते तब। क्योंकि उस समय कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, वी हैव द टू माइंड्स, हमारा माइंड में दो पार्ट है। एक्चुअली कोई अलग ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमने उसको सेपरेट किया हुआ है। जैसे हार्ड डिस्क में होता है ना, सी ड्राइव होता है, डी ड्राइव होता है, ई ड्राइव होता है, वो कोई ऐसा सेपरेट नहीं रहता है, वो हमने उसको ऐसा पार्टीशन करके रखा है। हमारा दिमाग दो पार्ट में डिवाइड है, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड कैप्टन है, उसको आप जो करेंगे वो करना शुरू कर देगा। लेकिन वो किसको बोलता है? सबकॉन्शियस माइंड को। कैप्टन बोलता है ना, यहाँ पे चलो। तो सारे लोग जो रहते हैं नाविक लोग जो जहाज के अंदर रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, चलो भाई काम पे लग जाओ, ये उसने बोला है कि अपने को माइंड को स्टेबल रखना है, तो चलो माइंड को स्टेबल रखो। तो आप अपने आप को प्रोग्रामिंग करके मेडिटेशन के माध्यम से, अच्छी बातें से, सकारात्मक विचारों से, अच्छे लोगों के साथ में रह के अपने आप को सही रख सकते हैं।